हाय गाइस, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूं जो कि हैं वेदा ऑयल्स के। ये कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं और भी चीज़ें हैं जो स्किन केयर रेंज को बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। आप घर में कुछ DIY करते हैं, स्किन केयर की कोई चीज़ें बनाते हैं या फेशियल सोप्स बनाते हैं, उस सब में इसका यूज़ होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट बिफोर वी स्टार्ट, मेरी फैमिली का पार्ट बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट कर दीजिए जिससे आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोप बेस से। ये है अफ्रीकन सोप बेस और इस तरीके की पैकेजिंग पॉलीथीन में आया है। इसे कट करके आप सोप्स बना सकते हैं घर में। किस तरीके से बनानी, मैं जल्दी ही कुछ सोप्स बनाने वाली हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देन आई हैव दिस कोको बटर। कोको बटर भी हम जैसे घर में मॉइस्चराइज़र बनाते हैं या सोप में, तो ये सारी चीज़ें यूज़ हो जा सकती हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हम सोप्स बनाते हैं अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से। तो ये कोको बटर है जो स्पेशली मॉइस्चराइज़र्स बनाने में यूज़ करते हैं। आप इसे डायरेक्टली भी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इसके साथ मिक्स करके। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए और स्किन को काफ़ी सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। नेक्स्ट है मेरे पास फुलर्स अर्थ यानी कि मुल्तानी मिट्टी, और ये मैंने फेस पैक में यूज़ किया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें कोई एकदम प्रॉपर, ये सारी चीज़ें आयुर्वेदिक हैं, इनमें कोई केमिकल्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। तो मुल्तानी मिट्टी भी आप सोप बनाने में यूज़ करते हैं, कुछ थोड़ा सा उसका क्वांटिटी आप ले सकते हैं सोप बनाने में। तो ये मुल्तानी मिट्टी है, आप फेस पैक की तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप मॉइस्चराइज़र में यूज़ कर सकते हैं, इसको भी मॉइस्चराइज़र बनाने में यूज़ कर सकते हैं घर पर। जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अलग अलग तरीके के एसेंशियल ऑयल्स मिल जाएंगे। शिया बटर जो अगेन स्किन केयर रेंज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और इसकी इस तरीके के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसमें। ये है केओलिन क्ले जो अगेन स्किन केयर के लिए यूज़ होता है, और ये भी सोप में आप ऐड कर सकते हैं इसका पाउडर भी। इसके बाद है ये एसेंशियल ऑयल्स, इस तरीके की पैकेजिंग में आती हैं। 10 टाइप की कुछ बॉटल है उसमें आते हैं, ये 100 ग्राम है। और ये है केसर एसेंशियल ऑयल। केसर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एसेंशियल ऑयल्स कभी भी हम डायरेक्टली नहीं यूज़ करते क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें ऐड करके डायल्यूट करके उनको यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये है केसर एसेंशियल ऑयल। नेक्स्ट है टर्मरिक एसेंशियल ऑयल, ये सारे आप सोप में यूज़ कर सकते हैं। और इसके भी क्वांटिटी इन सब की सेम बॉटल है, सेम क्वांटिटी है, 100 ग्राम्स की ये हैं। नेक्स्ट आई हैव रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, ये भी सोप बनाने में यूज़ होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है रोजमेरी ऑयल। और हेयर ऑयल में भी यूज़ किया जाता है, ये सारे ऑयल्स आप हेयर ऑयल में भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े थोड़े ड्रॉप्स ऐड कर लीजिए, जो भी आप हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं करते हैं उसमें कुछ कुछ ड्रॉप्स इनके ऐड कर लीजिए और फिर आप ऑयलिंग कीजिए, तो आपको इनका भी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद है रोज़ एसेंशियल ऑयल। ये रोज़ एसेंशियल ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसको भी आपको डाइल्यूट करके ही यूज़ करना है। उसके बाद है रोज़ एसेंशियल ऑयल। ये रोज़ एसेंशियल ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसको भी आपको डाइल्यूट करके ही यूज़ करना है, सोप में ऐड कर लीजिए। और इसका ये लास्ट है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। टी ट्री हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन के लिए। जिन लोगों को एक्ने होता है वो डायरेक्टली भी इसको अप्लाई करते हैं सिर्फ एक्ने पर, तो एक्ने काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है जिन लोगों को सूट करता है उनका। तो टी ट्री ऑयल एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स आपको ज़रूरत हो, घर पर आप DIY कुछ करने वाले हैं, कुछ बनाते हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर लीजिएगा उनकी वेबसाइट पर। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्रिएटिव।